अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किला। आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुश्किला किचन यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं हाईवे स्टाइल अफगानी चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई बनके बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल मसालों में तैयार कर रही हूँ। आपने रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले आए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिया चिकन। चिकन मेरे पास 1.5 किलो है, उसके मैंने इतने इतने पीस करवा लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। पहले रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे ये पानी रखा है। पानी को मैं 2 मिनट तक गर्म कर लेती हूँ। चलिए देखिए पानी में बबल आने शुरू हो गए, पानी हमारा गर्म हो गया। अब ये मेरे पास 1 किलो टमाटर है। टमाटरों को मैंने इस तरह से अंदर से देखिए ये कट लगा लिया है। अब ये सारे टमाटर पानी में डाल दूंगी मैं। अब इन टमाटरों को मैं 2 मिनट तक पानी में बॉईल कर लेती हूँ। चलिए टमाटरों में बॉईल आ गया, तो अब इसको मैं टमाटरों को इसमें से पानी में से निकाल के तो इसको ठंडा करके इसका छिलका उतार के तो इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। टमाटरों को मैंने ठंडा करके टमाटरों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब टमाटरों को एक साइड पे रखेंगे। हम कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। जब चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है, अब इसमें जाएगा 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने डाल लिया है। अब इसमें जाएगा ये जो चिकन था, ये डाल देंगे इसमें। चले अब इसको मिक्स करके तो मैं इसको तेल में 3 से 4 मिनट तक मैं फ्राई कर लेती हूँ, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इनको मैं अच्छी तरह भून लेती हूँ 5 मिनट तक। ये 5 मिनट हो गए, ये देखिए चिकन कलर हमारा चेंज हो गया, तो ये अच्छी तरह भुन गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये जो टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा है, सारा डाल देंगे। अब इसको टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे चिकन में। ये देखिए ये जो पानी है टमाटरों का और चिकन का, इस टमाटरों के पानी को और चिकन के पानी को मैं अच्छी तरह खुश कर लेती हूँ। फुल तेज़ आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से टमाटर और चिकन के पानी को खुश कर लेना है। टमाटरों का और चिकन का पानी अच्छी तरह खुश हो गया, चिकन ने अच्छी तरह घी छोड़ दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1/2 टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक। 1/2 कप जाएगा इसके अंदर दही। अब इन सारे मसालों को मैं दही के साथ 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेती हूँ। जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। साथ ही इसके अंदर चली जाएंगी 6 कटी हुई लंबाई में सब्ज़ मिर्चें। लंबाई में मैंने 2 हिस्सों में काट ली इसको। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। चलिए ये मुझे 3 मिनट हो गया चिकन को भूनते हुए। अब इसके ऊपर जाएगा कटा हुआ अदरक लंबाई में। थोड़ा सा दाल डालेंगे ऊपर धनिया। चलिए धनिया और अदरक मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला। अब इसको मिक्स करेंगे। चले अब इसका नीचे से चूल्हा बंद करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर धनिया डालेंगे। देखिए ये माशाल्लाह हमारी हाईवे स्टाइल चिकन अफगानी कढ़ाई बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इसको नान के साथ लें, आप इसको तंदूर की रोटी के साथ लें, ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लें। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देखें,
साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।